हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। तो आज हम फ्रेंच में तीसरे दिन की क्लास है। तो तीसरे दिन के क्लास में हम फ्रेंच में ये सीखेंगे, डे ऑफ द वीक, ले जूर द ले सेमेन। इसके आगे और भी कुछ बेसिक है, वो भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लैंदी, मार्दी, मैक्रदी, जर्दी, वांद्रदी, सामदी। फिर से रिपीट करता है, लैंदी, मार्दी, मैक्रदी, जैदी, वांद्रदी, सामदी। लैंदी मीन्स मंडे, मार्दी मीन्स ट्यूजडे, मैक्रदी मीन्स वेडनेसडे, जैदी मीन्स थर्सडे, वांद्रदी मीन्स फ्राइडे, सामदी मीन्स सैटरडे। ये हो गया डे ऑफ द वीक। हम संडे मंडे को फ्रेंच में क्या बोलते हैं और संडे को क्या बोलते हैं? दिमोंश। क्या बोलते हैं संडे को? दिमोंश। दिमोंश मीन्स संडे। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम फ्रेंच में क्या बोलते हैं। उसके आगे है ये ओजुर्द्वी दम मीन्स यस्टरडे, टुडे या टुमोरो। ओके, टुमोरो ये ओजुर्द्वी दम यस्टरडे टुडे मंडे। अब अगर हम फ्रेंच में बोलेंगे कि आज कौन सा दिन है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि आज कौन सा दिन है, फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है, तो क्या बोलेंगे? जैसे कि हम फ्रेंच में आज को क्या बोलेंगे? से केल जूर ओजुर्द्वी। से केल जूर ओजुर्द्वी मतलब कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, को हम फ्रेंच में कैसे बोलेंगे? से केल जूर ओजुर्द्वी। अब इसका रिप्लाई क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है तो हम बोलेंगे से लैंदी, आज क्या मंडे। ओके, बहुत ही इजी वर्ड में आंसर करेंगे से लैंदी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर सेते केजू। अब ये पास्ट में आ गया कि कल कौन सा दिन था, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज मंडे है तो कल संडे होगा, तो हम उसको इस टाइप से बोलेंगे यस्टरडे सेते दिमोश। संडे को क्या बोलते हैं? दिमोश। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सकेल जू रोज उर्दवी, तो आप उसका रिप्लाई करेंगे कि आज कौन सा दिन है? से लैंदी। अगर वेडनेसडे है से वांद्रदी। जो भी डे है आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। कल कौन सा दिन था वो भी आप बता देंगे। आप कौन से कल के बारे में वो बात कर रहा है, अगर मंडे के बारे में बात कर रहा है, संडे के बारे में बात कर रहा है, या ट्यूजडे के बारे में कर रहा है, वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे दिमोश संडे, कल संडे था। ओके, हेलो दोस्तों, तो अभी हमने संडे मंडे जान लिया है। अब हम जा रहे हैं मंथ के बारे में जानने के लिए। जो हम मंथ में, मंथ को फ्रेंच में हम क्या बोलते हैं? जनवरी फरवरी। ओके, ले मुआ द लने मंथ ऑफ द ईयर। इसको अगर क्वेश्चन करना हो, अगर कोई आपसे पूछता है फ्रेंच में, तो इस टाइप से पूछेगा इलिया कोम्बिया द मुआ द यू नने। ओके, आप भी पूछ सकते हैं इलिया कोम्बिया द मुआ द यू अने मीन्स हाउ मेनी मंथ्स इन द ईयर। ओके, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप बोलेंगे इलिया कितना मंथ है? 12 मंथ, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कोमिया का दूज, दूज, दूज मुआ। कितना होता है? दूज मुआ।
था ट्रेडमार्क। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी फरवरी से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। चलिए फिर से रिपीट करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जनवरी मींस जनवरी, फरवरी मींस फरवरी, मार्च मींस मार्च, अप्रैल मींस अप्रैल, मई मई, जून जून, जुलाई जुलाई, अगस्त अगस्त, सितंबर सितंबर, अक्टूबर अक्टूबर, नवंबर नवंबर, दिसंबर दिसंबर। तो आज के क्लासेस में बस इतना ही। हम लोग आज डे ऑफ द वीक के बारे में जान लिए हैं, मंथ ऑफ द ईयर के बारे में जान लिए हैं। तो इतना आप प्रैक्टिस कर लें दोस्तों। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि डे 4 में। ओके गाइस, ओवा ओ शांते, हैव अ नाइस डे।